गुड मॉर्निंग, फिर से स्वागत है आप लोग को एक और नए वीडियो में। तो आज है थर्सडे, वीक का एंड होने जा रहा है और कल आरू का हॉलीडे है। फेस से ही पता लग रहा है कितना खुशी मिल रहा है, कितना राहत मिल रहा है। हॉलीडे बोलने से बहुत खुशी लगता है, क्योंकि सुबह सुबह उठना पड़ता है ना, घंटों घंटों खड़ा होके मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, तो बहुत एवरीडे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। पाँचवा दिन सैटरडे संडे भी उतना अच्छा नहीं सोता है, क्योंकि सैटरडे है, थोड़ा लेट होने का सोने का कोशिश करती हूँ लेकिन हो नहीं पाता, जैसे सोचती हूँ वैसा नहीं होता है बिल्कुल ही। यस, तो आज है थर्सडे, उसके साथ आज है 14 नवंबर, यानी चिल्ड्रंस डे, और सभी बच्चे को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। ये तो हाँ, आरुष को जा चुकी है, मेरी जो सुबह का जो रूटीन है, जो ब्रेकफास्ट था, लंच बॉक्स, वो सारा हो चुका है। आज मैं वो ऐड नहीं कर रही हूँ और थोड़ा सा आज कुछ डिफरेंट होने वाला है। मेरे बदले में आज कोई गुस्सा हुआ है, जब से मम्मा लोग आए हैं लंच एंड डिनर मम्मा ही प्रिपेयर कर रहा, वो उसको हैंग कवर कर लिया, और घर का सुबह जो झाड़ू वाड़ू वो भी मम्मा ले लिया है। मैं सुबह जब ब्रेकफास्ट बनाती हूँ ना, तब मम्मा घर पूरा घर झाड़ू वो सारा चीज़ें वो कर लेती है। हाँ, मेरा सिर्फ रूटीन है कि मैं आरू और दोनों के लिए मैं बना लूँ सुबह सुबह, वो घंटों घंटों जो खड़ा रहता है वही है टाइट। उसके बाद आरू को जाके लेके आते हैं दोनों बहन, और जब से ये बहन आई है आरू है ना, उसके साथ ही सोती है, उसके साथ ही रहती है, माँ बाप भूल गई है वो एकदम, और छोड़ के चली जाऊंगी बोलने से वो थोड़ा सा इमोशनल हो रहा है, तो पकड़ के ऐसे रोती है, थोड़ा क्रैंकी वाले टाइप जब भी वो टॉपिक छेड़ते हैं, लेकिन उसका दिमाग में घुसाना ही पड़ेगा कि वो लोग जाने वाला है। तो अभी से ही, और ज़्यादा दिन नहीं है, और अभी से ही हम लोग को उसको मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा कि जिस दिन जाएगा उसी दिन एक ही दिन एक झक्का दे देगा, उससे बेहतर कि हम पहले से ही मेंटली स्ट्रांग हो जाए, उसको मेंटली स्ट्रांग प्रिपेयर करें। तो हाँ, तो आज क्या करने वाले हैं मैं बताती हूँ। यहाँ पे बहन किचन में घुसा हुआ है, तो आज 2 मिनट नूडल्स मैगी, आज मैंने मैगी लेके आया 5 पीसेस, तो 2 पैकेट जो है वो यहाँ पे मैगी बना रही है, पता नहीं कौन सा स्टाइल में बना रही है, भगवान जाने। कल तो वर्जिन मोहितो तो बहुत यम्मी था, बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग था। आप ट्राई कर सकते हो एक बार, वो हाजमोला मसाला वाला ना, वो ट्राई करते हो, डाल के ट्राई कर सकते हो, अच्छा था। मैं सुबह में आज जब मैगी खरीदने गए थे, मैं सोच रहा था कि लेके आऊँगा, फिर सोचा सुबह सुबह कौन पीता है, ब्रेकफास्ट ऐसा कुछ ही नहीं कर। देखो जब से मम्मा लोग ने आया ना, इतना खाना दबा रहा है, ब्रेकफास्ट स्किप कर रहा है, सीधा लंच पे दूध पड़ रहा है, पूरा दिन फुल रहता है, इतना खा रहा है कि क्या पता है। वेट लॉस के दूर की बात, और ज़्यादा गेन हो रहा है यहाँ, डबल। हाँ, तो यहाँ पे बहन सबसे पहले यहाँ पे पानी बॉयल कर रही है, पता नहीं क्या करने वाली है, देखते हैं उसका अलग सा। मैं तो सिंपल सा ही बनाती हूँ, इतना वो नहीं होता। ओके, तो यहाँ पे पानी बॉयल कर रही है, तो यहाँ पे पता नहीं गार्लिक क्या लेके आई है, बस कॉपरेट, आप लोग वीडियो देख के कॉपरेट कीजिए। यहाँ पे 2 पैकेट मैगी है, यहाँ पे 2 प्याज है, मिर्ची भी डालोगे ना, बड़े वाले ये कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया, बड़े वाले नहीं मिल रहे हमें। यहाँ पे इसका ये कटिंग करेगा, और यहाँ पे धनिया वॉश करते हुए, भाई साहब धनिया इतना खुशबू है ना, अगर कुछ भी टेस्टी ना हो धनिया दे दो, वाह। तो यहाँ पे धनिया धुल चुके हैं, स्पेशली ये वाला धनिया, ये वाला जो रहता है ना, ये बहुत खुशबू रहता है, इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर और स्मेल होता है ना इसका। हो गया, तो ये बंद कर दिया, और
बर्नर को और गर्म पानी में ऐसे थोड़ी देर छोड़ रहा है। और यहाँ पे मैगी में ना यहाँ पे 5 पेंसिल फ्री मिला है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैगी। ये प्रिंट देखकर तो आप समझ गए होंगे कि कहाँ से है। इसका मतलब है बिग बास्केट हो। मैंने बिग बास्केट से राशन पानी के साथ ऑर्डर किया था, बड़ा चाहिए था मैंने तो छोटा, लेकिन आई थिंक 150 का बीच में होगा शायद, आई डोंट नो, भूल गई मैं। ओके तो यहाँ पे हमारा अनियन चॉप हो चुका है, गार्लिक चॉप हो चुका है। तो यहाँ पे मिर्ची, ये है धनिया, अब यहाँ पे है उसका मसाला। अब क्या कर रहे हो? अरे वो था ना, अच्छा छोड़ो, तो फिर निकाल ही रहे हो तो निकाल ले। अच्छा मुझे लगा पूरा ही। यहाँ पे मैगी थोड़ा थोड़ा गीला गीला छोड़ रहा है। अरे मैं नॉर्मल पका के खाती हूँ, इतना फैंसी करने का टाइम नहीं है, पखट नहीं है। ये देखो मैगी। अब नेक्स्ट प्रोसेस, तो यहाँ पे तेल डाल दिया है, अब उसको हीट होने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी इंग्रेडिएंट्स है, जो भी मसाला है डाल देंगे। तो हमारा ऑयल हीट हो चुका है, नहीं जो लोग ऐसे ऐसे खिलाता है वही तो शेफ है। हाथ में लग रही है, हल्का सा भूनना है, लिटिल बिट, और पूरा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। वैसे आप लोगों को नहीं बताना, मैं पता हम लोग कैसे कर, ये कैसे कर रही है वही बता रही हूँ। करना है एक्चुअली, पर वो ओवर कुक हो जाएगा बाद में, इसलिए मैं जल्दी डाल दिया। अच्छा अच्छा, जो भी ऐसे करके खिलाता है वही प्रो है। फ्लेवर, थोड़ी देर फ्लेवर, थोड़ी देर वो पकाएंगे तो फ्लेवर अपने आप निकल जाएगा। यहाँ पे मसाला डालते हुए मसाला बुन चुका है, पूरा फ्लेवर का जो स्मेल है, मसाला का जो स्मेल है वो पूरा घरों में है। अच्छा यहाँ पे डालना है धनिया, मैगी में ही डाल रही है। ओ ऐसा हो गया, ओके। तो ये क्या है, और नहीं पकाओगे? ये पक गया है क्योंकि मैंने लास्ट में गर्म पानी में ऐसे छोड़ दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लगा हाफ कुक करके छोड़ दी। ओ ये तो एकदम उसका जैसा हो गया, क्या बोलता है कोरियन लुक, इंडियन रामेन मैगी। अच्छा इंडियन मसाला रामेन नूडल्स, स्पाइसी नूडल्स।
मुझे क्या पता था ऐसे करके मिक्स करोगे तब जाकर मिर्ची और ज़्यादा चाहिए ना, मुझे लगा यहीं पे डाल के फिर पकाओगे। मिर्ची का टॉलरेंस कम हो गया है हमारी, पहाड़ी पहाड़ी हो रही। टेस्टिंग मेरा ऊपर ही दे रहा है। दोस्तों मजाक नहीं कर रही हूँ, ट्राई कर लेना आप लोग। जो नॉर्मली जो मैगी होते हैं ना आप पका के जो खाते हो, बिल्कुल अलग है। ट्राई कर लेना आप लोग, इट्स गुड सक्सेसफुल। तो हमारा मैगी हो चुका है, हम अभी जाके एंजॉय करेंगे। सच में इट्स रियली गुड, मजाक नहीं कर रही हूँ, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। एकदम नॉर्मल जो मैगी होता है ना उससे टोटली डिफरेंट है, इट्स टोटली डिफरेंट। तो हाँ, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर, बाय।